हेलो गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास रियलमी 11X 5G फ़ोन। इस फ़ोन का दोस्तों आज मैं टॉप फीचर्स आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स होने वाला है। तो आप अगर इस फ़ोन को बाय कर चुके हैं या फिर बाय करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्नोमास्टर। चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो इस फोन में आपको अगर स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, थ्री फिंगर को इस तरीके से स्वाइप अप करना है और उसके बाद आपको अगर जो एप्लीकेशन आपको स्प्लिट स्क्रीन में रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी रख देता हूँ फेसबुक। ओके, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और एक साथ दोस्तों आप यहाँ पे दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर फेसबुक इंस्टाग्राम एक साथ यूज़ करना है तो स्प्लिट स्क्रीन कर लीजिए, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिल जाता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किए हुए हैं, इस तरीके से डायरेक्ट होम से बैक कर लेना है और रिसेंट बार ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री डॉट जो है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद मान लीजिए आपको कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करना है तो गैलरी से वो वाला फोटो आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख लीजिए और यहाँ पे आपको अगर कुछ कैलकुलेशन करना है तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका लगता है कि इसे थोड़ा साइज छोटा वगैरह करना है तो इस तरीके से आप छोटा वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ मिडिल में आपको एक लाइन मिल रहा होगा, इस तरीके से यहाँ पे साइड में ले जाके छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये अंदर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों आप अपना काम देख लीजिए और आपको लगे कि फिर से ज़रूरत है, इस तरीके से यहाँ पे टैप कीजिए, ये फिर से आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो काम करता है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, सेटिंग के अंदर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिशनल सेटिंग, और इसके अंदर डाउन में यहाँ पे आपको मिल जाता है गेसर एंड मोशन। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ गेसर है, इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका ऑफ रहेगा। इसे ऑन करने के बाद ही यहाँ पे आपको काफ़ी सारा और भी फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन है, इसे ऑन कर लीजिए। ऑन करने से ये होगा कि जब भी आपका स्क्रीन लॉक है, इस तरीके से डबल टैप करने के बाद स्क्रीन का लाइट जो है वो ऑन हो जाता है, फिर डबल टैप करने के बाद इस तरीके से ऑफ हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा, इसे ऑन कर लेते हैं तो क्या होगा कि स्क्रीन जब भी लॉक है इस तरीके से ओ ड्रॉ करने के बाद जो कैमरा है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ड्रॉ वी करने से यहाँ पे टॉर्च लाइट ऑन हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे आप अगर वी ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखिए टॉर्च लाइट जो है वो ऑन हो जाता है, फिर वी ड्रॉ करने के बाद टॉर्च लाइट जो है वो ऑफ हो जाता है। यहीं पे बैक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट है, इस तरीके से थ्री फिंगर को स्वैप करते हैं ये देखिए कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप लॉन्ग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे डन करके यहाँ पे एडिट वगैरह का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है इसके अंदर। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री फिंगर को टच इस तरीके से करके रखिएगा तो भी दोस्तों यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको कितना स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से आप यहाँ पे क्रॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी सारा एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो मार्क वार्क करके आप यहाँ पर भेज सकते हैं किसी को भी। यहाँ पे आपको आखिरी में एक ऑप्शन मिल जाता है टॉर्च लाइट ऑन करने का स्क्रीन लॉक में, यहाँ पे आप इसे ऑन कर लीजिए। ऑन करने से यह होगा कि वॉल्यूम डाउन जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेस करके रखिएगा तो ये जो टॉर्च है वो ऑन हो जाएगा। इस फ़ोन में गाइस यहाँ पे आपको फ़ोन मैनेजर करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो फ़ोन में जो जंग वगैरह है वो दोस्तों यहाँ पे कलेक्ट करके ऑप्टिमाइज़ कर ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो जंग वगैरह जो है फ़ोन में वो क्लीन हो जाएगा। ये दोस्तों दिन में आप एक बार कीजिएगा तो फ़ोन जो है हैंग नहीं करेगा, थोड़ा दोस्तों फ्री रहेगा फ़ोन। यहीं पे आप अगर स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप लॉक का एक फीचर्स देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आप गॉट इट करते हैं तो आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे टिक करके यहाँ पे ऑन कर सकते हैं और ऐप लॉक लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह करके ऐप लॉक लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, और उसी के बाजू में यहाँ पे हाइड एप्लीकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है इसी फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, सेटिंग के अंदर स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी सारा वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर, और इसी के साथ यहाँ पे आपको थीम्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, फोन का जो थीम है पूरा टोटली चेंज हो जाएगा। उसी के साथ गाइस यहाँ पे फ्रंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे फ्रंट
फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। आइकन का ऑप्शन मिल जाता है, आइकन जो है वो दोस्तों आप छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह का कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऐप नेम जो है उसका जो साइज है वो बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। ये सारा फीचर्स मिल जाता है इस फोन में। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड सेटिंग के अंदर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन है, फ्लेक्सिबल विंडो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट स्लाइड बार का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसे आप अगर ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगा, इस लाइन को आप अगर स्वैप लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको तरह तरह का फीचर्स देखने को मिल जाता है। मतलब एप्लीकेशन है काफी सारा जिसे आप शॉर्टकट के तौर पर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे आपको जो जरूरत है उसे रख सकते हैं, इस तरीके से ऐड कर दीजिए, यहाँ पे देखिए ऐड हो जाएगा और यहाँ पे डन करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है। आपको अगर जंप करना है कोई भी फाइल वगैरह में तो डायरेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह ऑन कर सकते हैं, ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा फ्लोटिंग विंडो में भी। आपके घर में अगर बुजुर्ग वगैरह है तो यहाँ पे सिंपल मोड करके एक ऑप्शन मिल जाता है। तो जो फ़ोन का है काफ़ी सारा फीचर्स मिलता है उसे दोस्तों लाइट मोड कर देता है। ओके, जैसे स्टैंडर्ड मोड है इसे आप अगर सिंपल मोड करते हैं तो एकदम ये सिंपल हो जाएगा, जो आपके घर में बुजुर्ग वगैरह है वो आसानी से यूज़ कर सकता है गाइस। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड सेटिंग के अंदर स्क्रॉल डाउन करने के बाद वही दोस्तों सेम स्पेशल फीचर्स के अंदर यहाँ पे डाउन में आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए दोस्तों कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट ये आपको सपोर्ट मिलता है इस फोन में। तो आपको अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, गेम वगैरह खेलते हैं रिकॉर्ड करना है तो डायरेक्ट आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन भी मिलता है रिकॉर्ड, यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन साउंड, उस माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्ड करना है कि यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस है, आपको कौन सा क्वालिटी पे स्क्रीन रिकॉर्ड करना है ये सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है आप अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो। और गैस ये वाला जो फीचर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अगर इस फ़ोन को बाय किए हुए हैं तो ये वाला देख लीजिए, ज़रूर आपका काम में आएगा। तो यहाँ पे बैटरी ओपन करना है, बैटरी ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज चार्जिंग करके एक ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप अगर नाइट में चार्ज लगाते हैं तो एट नाइट पर सिलेक्ट कर दीजिए, ऑल डे आप कभी भी चार्ज लगाते हैं यहाँ पर ऑल डे पर क्लिक कर दीजिए। और आप अगर चाहते हैं कि नॉर्मली रहे तो ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने से ये फ़ायदा है कि 80% होने के बाद 100% भी जल्दी हो जाएगा, और यहाँ पे आप अगर एट नाइट कर देते हैं तो 80% चार्ज होने के बाद रुक जाता है। ये चीज़ दोस्तों आप नोटिस कीजिएगा। और गाइस यहाँ पे कैमरा के अंदर एक काफ़ी अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मोड में जाने के बाद यहाँ पे आपको डुअल व्यू वीडियो का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो आपका बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा ऑन हो जाता है, जिससे आप एक टाइम में दोनों वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट का भी बैक का भी। तो आप अगर ब्लॉग वगैरह बनाते हैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। बाकी दोस्तों इस तरीके से पिंच करते हैं तो यहाँ पे विजिट्स का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्लॉक है, क्लॉक पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप क्लॉक स्टाइल वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये सारा दोस्तों आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। इन सारे फीचर्स में से आपको कौन सा फीचर बेस्ट लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।